नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको आज दिन में भी मैंने बताया था, जो एग्ज़ाम 60% है पॉसिबल है वो एक्सटेंड होगा, पोस्टपोन्ड होगा, और जिसका डर था वही हुआ है। अभी सीईटी का एग्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण कैंसिल कर दिया गया, इसका नोटिस आ चुका है। मैं जीके भाई प्रदीप सर चैनल यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम है उस पर इस नोटिस को भी मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी निराश नहीं होना है, देखो कोई कई बार चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, और इस टाइम एक टीचर के नाते मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि आप निराश मत होइए। ठीक है, मैं मानता हूँ जब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो बच्चे का दिल टूटता है, और हम वही प्रैक्टिस सेट है आज 7:15 बजे वही प्रैक्टिस सेट जो मैं सोल्व करवाता हूँ वह डालूंगा, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी है, और मेरे से वादा करो आप भी हार नहीं मानोगे। अगर आपने इस टाइम हार मान ली, आप टूट गए, तो माननीय चेयरमैन साहब या सीएम खट्टर साहब आपको आकर नहीं कहेंगे मेरे बाबू आप हार मत मानो, आप पढ़ लो। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि एग्ज़ाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में है। थोड़ा आपको टाइम मिला है, थोड़ा सा हम और मेहनत करेंगे, और ज़्यादा हम जी जान लगा देंगे। और प्यारे बच्चों, अभी रिजल्ट आएगा जो सीईटी मेंस का, ये रिवाइज्ड होकर रिजल्ट आने वाला है, और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी, आपका जो मतलब नंबर आपको बताए जाएंगे, और रिवाइज में जो दो तीन क्वेश्चन एचएसएससी ने गलत माने थे, और हो सकता है जिसका सीईटी क्वालिफाई ना हो उसका भी क्वालिफाई हो जाए। कई ऐसे पोस्टें हैं जैसे स्टाफ नर्स होगी, एएलएम हो गई, उसमें कैंडिडेट का मैं तो कईयों को लिए इसका फायदा होने वाला है। निराश बिल्कुल मत होइए, आज शाम ठीक 7:15 बजे आपको क्लास मिलेगी और डेली क्लास मिलती रहेगी। यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।